नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 2 तारीख है और दिन है सोमवार। सुबह की वीडियो में आपको लगभग जानकारी दे ही दी गई है कि सरसों का बाजार आज किस तरह से व्यवहार कर रहा है। उसके बाद सुबह के जो 1 बजे के आसपास आपको वीडियो दिया था, उसके बाद जो बाजार में गतिविधियां हुई हैं उनमें प्लांटों के अंदर 25-50 रुपए की गिरावट बढ़ी है। मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल है। सुबह ही बाजार थोड़ा कमजोर खुला था। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 25 रुपए की गिरावट आई थी। जयपुर में भाव स्टेबल रहा 6425 रुपए पर। दैनिक आवक जो आज है वो थोड़ी सी सुधरी, 3.5 लाख बोरी कल तक थी, आज 4.25 लाख बोरी की आवक रही। सरसों तेल स्टेबल है, कोई परिवर्तन नहीं है जयपुर के भाव के अंदर। और जो दैनिक आवक मैंने आपको जिक्र कर ही दिया, जो भरतपुर मंडी का भाव है वो कल से 10-11 रुपए कमज़ोर खुला है। आज खुला है भाव 5960 रुपए, 5960 रुपए। और प्लांटों के अंदर 25-25 रुपए की गिरावट सुबह ही दर्ज हो गई थी गोयलकोटा में, और सीतापुर का जो वन सेडिबल्स प्लांट है उसमें, और जो कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई थी। अडानी के बूंदी और अलवर प्लांट में 50-50 रुपए की गिरावट है। सलोनी प्लांट में भी लगभग 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है उसके बाद, दोपहर के वीडियो के बाद। तो कुल मिलाकर के प्लांटों के अंदर भी थोड़ा बाजार कमज़ोर हुआ है, लेकिन ये कमज़ोरी, ये गिरावट केवल इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। हालांकि अभी बड़ी तेज़ी की संभावना भी कम है, लेकिन बाजार गिरने की संभावना अब नहीं है। ये जो गिरावट आई है ये 2 कारणों से आई है। एक, वैश्विक बाजारों में जो खाद्य तेलों की पोजीशन है वो थोड़ी कमज़ोर है, डाउन है। और जो सरसों तेल का जो भाव है वो काफ़ी हाइट पे पहुंच गया है, काफ़ी ऊंचा हो गया है। और इस ऊंचे भाव के ऊपर जो मांग है वो स्टेबल हो जाती है या मांग थोड़ी बहुत फिसल जाती है, उस कारण से ये सरसों के भाव में थोड़ी सी गिरावट आई है। ये 1-2 दिन के अंदर बाज़ार सुधरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मूंगफली का तेल, राजकोट का भाव 1525 रुपये पर स्टेबल है। मुंबई का भाव 1570 रुपये प्रति 10 किलो है। इस तेल के अंदर मंदा नहीं है, बाजार अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश में है। बिनोला तेल, गुजरात के कड़ी और राजकोट का भाव 960 और 970 रुपये पर बिल्कुल टिका हुआ है, स्टेबल है। इसमें भी मंदा नहीं है, ये भी बाजार आगे बढ़ेगा। सोयाबीन का भाव महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में आज लगभग 70 रुपये बढ़ा है, और इस समय जो भाव है वो 4901 रुपये है चारों पांचों प्लांटों में। और लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर सोयाबीन में कोई मंदा रहेगा, सोयाबीन के भाव में सुधार आने की प्रबल संभावना है। सरसों के भाव में भी सुधार आने की प्रबल संभावना है, और जो दूसरे खाद्य तेल हैं उनके अंदर भी बाजार तेज होने की संभावना बनेगी, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है और आपूर्ति जो है वो लगभग तंग रहेगी। कोई ज़्यादा बढ़त वाली या कोई मतलब कोई बहुतायत के अंदर कोई माल आ जाएगा ऐसी कोई गुंजाइश लगती नहीं है। सितंबर के महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, इसलिए जो बारिशें बढ़ेंगी उससे अभी भी फिलहाल भी बहुत नुकसान हो रहा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के पूर्वी हिस्से के अंदर भारी बरसात से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सभी तरह का उत्पादन जो है वो कमज़ोर होने की संभावना बनेगी, इसलिए भी बाजार पर दबाव रहेगा और बाजार में तेज़ी का जो आसार है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आइए कुछ मंडियों और प्लांटों के भाव की तरफ जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। आज सलोनी प्लांट का इस समय भाव है शमशाबाद और दिग्नेर का 6875 रुपये, जो कल 6950 रुपये तक पहुंच गया था परसों यानी सोमवार शनिवार को। अलवर का भाव है 6750 रुपये और कोटा का भाव है इस समय 6800 रुपये। वंस एडिबल सीतापुर का प्लांट 6200 रुपये पर है, आज यहाँ 25 रुपये की गिरावट हुई है। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि ये प्लांट जल्दी से भाव में घटपट नहीं करता है, ना तो जल्दी से बढ़ाते हैं ना ही जल्दी से घटाते हैं। शारदा का प्लांट 6600 रुपये, बीपी आगरा 6575 रुपये, अडानी बूंदी और अलवर 6400 रुपये, ये कल 6450 पर थे। गोयलकोटा 6200 रुपये, कल 6225 रुपये भाव क्लोज हुआ था। भरतपुर मंडी का भाव है 5960 रुपये, अलवर जयपुर 6425, दिल्ली 6200, चरखी दादरी 6175, अलवर 6000, बरवाला 5800, हिसार 5600, मुरैना 5650, ग्वालियर 5800, खैरथल मंडी 6000, गंगापुर सिटी 6060, टोंक मंडी 5980, निवई मंडी 6000, सुमेरपुर 6200, कोटा 5600, नागौर 5500, शिवानी मंडी 5875, गंगानगर 5849, बयाना मंडी 5960 और आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा 6005 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।